मेरे आज के प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं मुशाहिद हुसैन सईद साहब और जनरल रिटायर्ड हमीदपुर साहब, आप दोनों शख्सियात का खुश आमदेद। सबसे पहले मुशाहिद साहब, आप ये बयान कीजिए, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको जो भी वर्ड दें आप, यानी मुस्तहकम हुकूमत नहीं है, अदारे लगता है टकरा रहे हैं आपस में, फिर पीछे हट जाते हैं, फिर आते हैं सामने, एक तरह से मफलूज है निजाम। अमेरिकन आ रहे हैं, मैक्रिस्टल आते हैं, होलब्रुक आए, जॉन कैरी आए, वो लगता है पहले जीएसयू जाते हैं, फिर टी बैक आता है बीच में, चाय का वक्फा, वो आके उसमें जरदारी साहब से, गिलानी साहब से मिलते हैं। पॉलिसी कौन बना रहा है, और यहां पर अगर प्रॉब्लम्स बढ़ गए आने वाले दिनों में, तो अमेरिकन किसको सपोर्ट, क्या सपोर्ट कर, क्या देखना चाहते हैं, सपोर्ट क्यों करेंगे? मैं समझता हूं कि ये जो मजमूई तौर पर जो हालात हैं इलाकाई, ये पाकिस्तान के हक में तब्दील हो गए हैं और हो रहे हैं। ओबामा की स्ट्रेटजी, उसका फोकस क्या है? मईशत, जिसमें उसका इनसार चाइना पर है। अफगानिस्तान, उसका इनसार पाकिस्तान पर है। हिंदुस्तान आइसोलेट हो गया था, टर्की ने उनको नहीं बुलाया अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस में इस्तांबुल में, उनको मजबूरन यूटर्न लेना पड़ा। चाइना में निशान है, दलाई लामा से मिल रहा है, फिर भी वो रस्मी चाइना को इरिटेट कर रहा है, लेकिन चाइना इस वक्त हावी हो गया है उनके ऊपर, ठीक। और अब बात G8 की बात नहीं हो रही, ग्रुप ऑफ 7 या 8, G2 की बात हो रही है, चीन और अमरीका। सो एक बराबरी का एक ताल्लुक पहली दफा आ गया है 60 सालों के चीनी इंकलाब के बाद, और चीन का राइज जो है, जो हमारा बेहतरीन दोस्त है, तो मजमुई तौर पर हालात हमारे हक में जा रहे हैं। अमेरिका ने ऐलान भी कर दिया है, हम मुराद है पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात, क्या हम फायदा उठा रहे हैं? अफसोस मुझे ये है कि ये जो हुकूमत है, इनका ना तो विजन है, ना इनका फोकस है, अपनी नालायकी की वजह से, और अपनी जो करतूतें हैं, पंगे ले रहे हैं, कभी आप लोगों से लिया, कभी कोशिश की पिंडी वालों से लेने की, लेकिन पीछे हटते, जुडिशरी से लेने की कोशिश की, फिर पीछे हटे, तो वो वक्त बड़ा जाया किया इन्होंने महाजराई में, तसादम में। अगर तसादम हो गया तो अमेरिका क्या इस हुकूमत को सपोर्ट करेगा, इस सेटअप को? अमेरिका को तो करेगा, इस अमेरिका जमहूरियत को सपोर्ट करेगा, इस सेटअप को सपोर्ट नहीं करेगा। वो चाहता है जमहूरी अमल चले, और पाकिस्तान जो रियासत है ना, उसकी आपका जो इंटरेक्शन होगा अमेरिकन के साथ, सबके साथ हुआ, आपको ओवरऑल क्या फील आया कि इनसे बेजार है अमेरिका? मैं समझता हूं इनसे बहुत मायूस भी हैं, बेजार भी हैं, और अब वो पैटर्न वाजे हो गया है। आपने देखा कि सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने खुद जनरल कैनी पर दिया, जब वो ब्रसल्स गए तो मेन स्पीच जो थी, विजन स्टेटमेंट पाकिस्तान के हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं दी, वो आर्मी चीफ ने दी, और बड़ी क्लियर दी, और बड़ी अच्छी स्पीच दी। तो हमारा इनका वैसे भी ये आउट ऑफ द लूप लगते हैं। अब ओबामा ने जब ऐलान किया था वेस्ट पॉइंट में 1 दिसंबर को कि हम जुलाई 2011 से निकलेंगे अफगानिस्तान से, तो उससे 2 दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया कि अमरीका कम से कम 5 साल इधर जरूर रहे, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान का, इसका मतलब उनको मालूम ही नहीं था कि क्या स्पीच। और जनरल मुशर्रफ भी कह रहे थे, बाय द वे वो तो एक्स प्रेसिडेंट है ना, ये तो सर्विंग फॉरेन मिनिस्टर है। फिर उसके बाद देख लेंगे जो प्रेसिडेंट की स्पीच आती है, एक तरफ वो कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, साल बाद वो कहते हैं कि जी 1000 साल की जंग लड़ेंगे कश्मीर पर, तो कोई तसलसल नहीं। चले साहब, अमरीका इस खत्ते में परेशान है, यानी कुछ सर पैर समझ में नहीं आ रहा, यानी यूक्रेन में आप देख लें, डच गवर्नमेंट गिर गई शायद नेटो की एक्सपेंशन के इशू के ऊपर, वहां से फौजें नहीं आ रही, ये मर्जा वगैरह का क्या हुआ है, ये आप बयान करें अभी जो पूरा। तो तालिबान के साथ पहले तो ये बताएं कि क्या बातचीत हो रही है, चैनल्स खुले हैं कोई, ट्रैक 2 ट्रैक 3, या ये जो कहते हैं मालदीप में मुलाकात हो गई, कभी कहते हैं कहीं, क्या तालिबान के साथ डायलॉग हो रहा है, उस डायलॉग में पाकिस्तान मौजूद है, सऊदी अरब मौजूद है, ये डायरेक्ट कर रहे हैं अमेरिकन? नहीं, किसी के साथ भी डायलॉग तालिबान का, जिनको हम तालिबान समझते हैं, कहते हैं, जिन्होंने फैसला करना है और जिसकी वजह से अमेरिका को एक आबरू मंदाना यहां से रुखसती के लिए तैयार करना है, वो लोग तो बात नहीं कर रहे। उनकी तो शरायत बिल्कुल वाजे है कि आप वो डेडलाइन दें जब आपका आखिरी सिपाही यहां से निकल के जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि तालिबान के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरा नहीं हो रहा। अब रह गया ये पाकिस्तान ने ऑफर किया, इंडिया बीच में से इसमें आउट होने के लिए तैयार नहीं है किसी न किसी तरीके से, और कश्मीर के ऊपर जो बातचीत अभी, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, $1.2 बिलियन की उनकी तो पैसे की इन्वेस्टमेंट है, बनिया ऐसा तो पैसा नहीं करता, लेकिन उसके अलावा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इंडिया इज ऑन बोर्ड द शिप विद अमेरिका, और वो शिप जो है वो सिंक कर रहा है, वो डूब रहा है, और उसके साथ इंडिया भी डूबेगा, और एक डिसोरिएंटेशन हो गई है उनकी बहुत ज्यादा, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसोरिएंटेशन। और जब स्ट्रेटेजिक डिसोरिएंटेशन हो तो फायर पावर और मिलिट्री माइट जो है वो बेकार होता है,
क्योंकि आप यू आर ऑन द रॉन्ग फुट. मेरा ख्याल है इंडिया इज स्विमिंग अगेंस्ट द करंट. बेसिकली इंडिया का जो तारीख का धारा है, जो उसने रुख अपना बदला है, पाकिस्तान के लिए बहुत फेवरेबल, इंडिया के लिए इंतहाई अनफेवरेबल है. इसीलिए अजीबोगरीब बयानात, कभी दीपक कपूर साहब अजीबोगरीब बयानात दे देते हैं. अब इंडिया और अमेरिका मिलके वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया किसी ना किसी तरीके से एक प्रॉक्सी पावर का किरदार अदा करें, अफगानिस्तान सुधर जाए उनके लिए. उनके लिए क्या पाकिस्तान इंडिया डायलॉग करवाने में अमरीका इसलिए इंटरेस्टेड है कि अफगानिस्तान 100% उन्होंने अब यहां तक कहा हुआ है कि काबुल का रास्ता जो है कश्मीर से गुजर के जाता है. मतलब यह कि पाकिस्तान को अगर हम इंडिया के मामले में ठंडा कर ले तो फिर इंडिया के लिए रोल बन सकता है अफगानिस्तान में, जो वो चाहते हैं, जो इसराइल चाहता है. और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये क्लैश बन, जब तक ये रहेगा, तो जैसे हमारे जलकियानी साहब ने कहा कि हमारा दिफा जो है वो इंडिया सेंट्रिक है, इंडिया स्पेसिफिक है, इस तरफ का नहीं है. मगरबी को लाना चाहते हैं घसीट के हमें, ठीक है. तो इसलिए दूसरा मसला ये आएगा और हमें बहुत मोहतात होना पड़ेगा इसके अंदर. जिस वक्त अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया इंडिया का कोई किरदार, तो फिर वो कहेंगे कि इंडिया के साथ तो हो गई सुलह आपकी, अभी आपको न्यूक्लियर पावर की क्या जरूरत है, न्यूक्लियर वेपन तो आप हमारे हवाले करें. दिस इज द सेकंड स्टेप. सो देयर आर टू बेसिक ऑब्जेक्टिव पिलर्स टू देयर पॉलिसी जो बन रही है, फ्रेम हो रही है. एक तो इंडिया पाकिस्तान करीब आ जाए, ताकि इंडिया की ट्रेड और उसको जो कंसेशन देने वो भी चले, और इंडिया की मौजूदगी जो अफगानिस्तान में जो उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो किसी तरीके से महफूज रहे. और दूसरा ये कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के आपस में ताल्लुकात, बीच में एक ही झगड़ा है ना कश्मीर का, अगर कश्मीर में थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर दे के उसको किसी तरीके से राजी किया जाए कि कुछ कंसेशन दे, क्योंकि इंडिया ने अभी तक तो कोई एक इंच भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई कश्मीर के ऊपर, तो फिर उसके बाद वो कहेंगे कि पाकिस्तान का, अगर आप कहते हो कि इंडिया स्पेसिफिक है आपका दिफा, तो आपको अभी उसके साथ हमने सुलह करा दी है, अब आप तो सुलह क्या मतलब, कश्मीर मतलब कश्मीर की कोई सेटलमेंट जो के कोई सेटलमेंट जो के जैसे के एक्सेप्टेबल हो. मुशाहिद हुसैन साहब की हुकूमत जिस तरीके से कर रही थी, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तलाश कर रही थी, कोशिश की, कुछ बेचा तो नहीं ना. एक चीज मैं बता दूं डॉक्टर साहब, अब इंडिया की इंपॉर्टेंस वो नहीं रही अमेरिका की नजर में जो माजी में बुश के दौर में, बुश दौर में थी. ये फर्क पड़ा है. ये जो मैं नहीं एग्री करता इससे कि इंडिया अमेरिका का चीज है, अमेरिका का नंबर वन प्रायोरिटी चाइना, पाकिस्तान, फिर इंडिया आता है. इंडिया में तो सफ़े मातम बिछा हुआ है जब से ओबामा आया है, उनको बड़ी तकलीफ है, उनकी अहमियत कम हो गई. लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर, उनकी इजरायली लॉबी वगैरह वहां पे, वो सारे रॉबर्ट गेट्स गए. लेकिन रॉबर्ट गेट्स का स्टेटमेंट जो नहीं, वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पॉलिसी है ना उसमें, फिर चाइना की आपने इन्वेस्टमेंट की इंडिया की, फिर उनकी फौज भी आ सकी वहां पे, वो सारे चाइना की कितनी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, 3.4 बिलियन, इंडिया की 1.2 बिलियन है. तो इस वक्त मजमुई तौर पर और चाइना की हिंदुस्तान की जो है पहली दफा 20 सालों में एक तल्ख कलामी हुई. छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद ख्वातीनों जरा नमी को सबसे पूछूंगा कि इस पूरे खित्ते में जो कुछ हो रहा है, इतनी अहम डेवलपमेंट्स, पॉलिसीज, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, अमेरिका, चाइना, तो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो क्या हिकमत अमले रखती है, वो क्या कर रही है इस पूरे दौर में, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा जरूर.